जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज यादव वाराणसी से हूँ। दोस्तों, इस एकेडमी के बारे में मैंने यूट्यूब पर देखा, जैसे कि सभी लड़के यूट्यूब पर देखकर इस एकेडमी में आए हुए हैं। मैं भी यूट्यूब चला रहा था एक दिन और इस एकेडमी के बारे में देखा और तुरंत स्क्रीन पर नंबर चल रहा था, उस नंबर पर मैंने देर न करते तुरंत कॉल किया, जिसमें उस समय मेरी बात एकेडमी में जीतू भैया से हुई। उन्होंने मुझे कहा, बेटा तू एक दिन का ट्रायल ले ले और यहाँ पर आकर माहौल, नियम, रूल रेगुलेशन और यहाँ के क्लासेस सब चेक कर ले, यदि तू संतुष्ट होता है बेटा तो एडमिशन ले ले और भर्ती की जिम्मेदारी मेरी। मैंने जीतू भैया से बताया कि भैया मैं ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुका हूँ। उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, हार मत मान, भर्ती जरूर होगा तू। और मैं देर न करते हुए दोस्तों तुरंत यहाँ ट्रायल पर आया। ट्रायल पाया, मैं यहाँ का माहौल देखा, यहाँ का खाना पीना, रहन सहन सब कुछ देखा, ट्रेनिंग देखा, क्लासेस देखा। मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से मेरा कुछ हो सकता है। दोस्तों, मैं देर न करते हुए तुरंत यहाँ पर एडमिशन ले लिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब मैं एडमिशन लिया तो उस समय जनवरी का महीना था, मेरे भर्ती में मात्र 3 महीना बाकी था। दोस्तों, मैं जब फेल हुआ था उसमें से मैं दौड़ना बंद कर दिया था, जिस समय की मेरी टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और मैं भर्ती का उम्मीद ही छोड़ दिया था। बट जीतू भैया से बात करने पर, यहाँ के एकेडमी आने पर, जैसे मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ, मैं हो सकता है मेरा। दोस्तों, मैंने पुनः अपना सब कुछ स्टार्ट कर दिया, दौड़ना स्टार्ट कर दिया एकेडमी एडमिशन लेने के बाद। दोस्तों, मैं 3 महीने के अंदर मैं अपनी टाइमिंग 4:35 कर ली, जिसमें कि इस एकेडमी के सभी उस्ताद, जैसे जो पीटीआई उस्ताद है जो कराते हैं ट्रेनिंग, जीतू भैया है, विकास सर है, सैंडी भैया है, संदीप भैया है और लव सर है, प्रदीप भैया है, अभिषेक भैया, सभी लोग ने मेरा खूब सपोर्ट किया और मेरी टाइमिंग जल्द से जल्द टूट गई, मेरी टाइमिंग 4:35 हो गई। दोस्तों, अप्रैल महीने में मैं जैसे ही फिजिकल अपना क्वालिफाई किया, फिर तुरंत एकेडमी में रिटेन के लिए आ गया। जब मैं रिटेन के लिए आया, मैं भैया से बात किया, भैया मेरी रिटेन बहुत ज्यादा कमजोर है, प्लीज आप ऐसा करो कि मेरे लिए कुछ विशेष व्यवस्था कर दो। भैया ने बताया, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, तू मेहनत कर, इस बार तू भर्ती है, मैं तेरा फुल सपोर्ट करूंगा। जीतू भैया से बात हुई मेरी, ऐसा बोला। दोस्तों, मैंने क्या किया कि मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी। जब मैं पढ़ाई स्टार्ट किया दोस्तों, जब मैं यहाँ आया तो मुझे कुछ नहीं आता था, बहुत मैं कमजोर था, बहुत वीक था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब मैं रिटेन शुरू किया तो मनीष सर, शुक्ला सर और यहाँ के जो टीचर्स और यहाँ के स्टाफ ने मेरी खूब सहायता की और मैं मेहनत करना स्टार्ट किया। दोस्तों, मेरा रिटेन मात्र 45 दिन बचा था, मैं खूब मेहनत किया और जाकर फिर 29 जुलाई को मेरा रिटेन था, मैंने रिटेन दिया। जब मैं रिटेन बैठा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ पढ़ा हूँ, मुझे लग रहा था मैं सब कुछ जैसे एकदम पूरा रटा हुआ है, मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा था, क्योंकि जो टीचर्स ने पढ़ाया था सेम वही क्वेश्चन आया था। दोस्तों, और मैं एग्जाम दिया, 15 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया। दोस्तों, परिणाम आप लोगों के सामने, मैं सेलेक्ट हो गया और मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, जब मैं गया वहां पे सेंटर पे, मुझे पता चला कि मुझे 3GR गोरखा रेजिमेंट मिला है, मैं बहुत खुश हुआ। दोस्तों, मैं इसलिए मैं इस चार्ली एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस चार्ली एकेडमी के स्टाफ लोगों में, जैसे जीतू भैया है, विकास सर है, संदीप भैया है, लव सर है, शुक्ला सर है, मनीष सर है, इन सभी लोगों ने मेरा खूब सपोर्ट किया और मैं आज सेलेक्ट हो गया हूँ। और हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखना, जब आप फिजिकल जैसे ही क्वालिफाई हो जाओगे, आपको बहुत से लोग मिलेंगे, बोलेंगे बेटा मैं तुम्हारा रिटर्न निकलवा दूंगा, मेडिकल निकलवा दूंगा, सब कुछ निकलवा दूंगा, मेरे को इतना दे दे उतना दे दो। प्लीज दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है इन सब चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि दोस्तों जो भी करोगे आप अपने से ही करोगे, क्योंकि 2 बार 3 बार मैं भी, मेरे पास भी एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैंने देखा कि जो भी कर रहे हैं हम अपने से ही कर रहे हैं, फालतू के माँ बाप के 2 लाख 2.5 लाख रुपया जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि दलालों के चक्कर में ना पड़े, आप जो करेंगे स्वयं आप करेंगे। जय हिंद दोस्तों। भाई, मैं इस चार्ली एकेडमी से जो कुछ भी सीखा, जितना भी पढ़ा, जितना भी किया, बहुत इस चार्ली एकेडमी ने मुझे सपोर्ट किया। यदि आप लोग को इस चार्ली एकेडमी की जानकारी के लिए कोई भी इसके लिए कोई आवश्यकता पड़े तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं अपना दे रहा हूँ भाई, डायरेक्ट मुझसे बात करना। अगर मान लो भैया फोन नहीं लगता है या एकेडमी किसी का फोन नहीं लगता है तो आप मेरे से एक बार जरूर संपर्क करना, मैं आपको आपका फुल सपोर्ट करूंगा। जय हिंद।